हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर मैट्रिसेस अर्थात आव्यूह का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर वन लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने इस प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। डियर स्टूडेंट्स, उस लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके बिहाफ पर किस तरह से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में हमने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करी है। अगर आप सभी लोगों ने उस प्रीवियस लेक्चर को मिस किया है तो डियर स्टूडेंट्स, चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, जा करके उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। आज का हमारा ये लेक्चर जो है उसी से कंटिन्यू होगा आगे की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आव्यूहों के प्रकार, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ मुख्य प्रकार के जो आव्यूह होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है। उसी पंक्ति और स्तंभ के आधार पर आज हम सभी लोग आव्यूह के प्रकार को डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला प्रकार जो मैं आपको बताने वाला हूँ डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है क्षैतिज आव्यूह। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा। इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्षैतिज आव्यूह, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसको हम बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह। देखो, जैसा नाम है वैसा ही काम है। ऐसा आव्यूह जो हॉरिजॉन्टल दिखे, जो क्षैतिज दिखे, उसी को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे ए इक्वल टू हम लिख लें 2, 4, 7, 8, 5 और 1। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें कितने रो हैं? 2 रो हैं और कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम हैं। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यह है 2x3 का आपका मैट्रिक्स। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में ये आ सकती है कि सर क्या डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है? तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को बता दें कि आपके एग्ज़ाम में कुछ स्पेशल टाइप्स के जो मैट्रिसेस हैं उनकी डेफिनेशंस विद एग्ज़ाम्पल कई बार पूछी गई है, इसलिए इसको हम इतना डिटेल में आपको बता रहे हैं। सो आपको इसको समझना भी है, साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन को लिखना भी है, हिंदी में भी लिखना है, अगर आप इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में आपको उसको लिखना है और तैयार करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ज़रा देखो, ये आव्यूह क्षैतिज दिख रहा है कि ऊर्ध्वाधर? ऐसे ऐसे दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। अब ये ऐसे ऐसे दिख क्यों रहा है? आप देखेंगे इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, अर्थात ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होगी, वो आव्यूह हमें कैसा दिखेगा? क्षैतिज दिखेगा, हॉरिजॉन्टल दिखेगा। और इस प्रकार की आव्यूह को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज आव्यूह के नाम से जानेंगे। तो हम डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए क्या, ठीक है, आप कह सकते हैं ऐसा आव्यूह, ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, बोलेंगे ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, ठीक है, क्या कहलाएगा? क्षैतिज आव्यूह कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो हम बोल देंगे अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसकी एक डेफिनेशन मैं और लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है ध्यान से समझिएगा। कहेंगे एक आव्यूह, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा अच्छा होता है, मैं लिखता हूँ एक आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन
क्षैतिज आव्यूह कहलाता है, ध्यान देना, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। कब कहलाता है? यदि, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यदि m इज लेस देन m, अगर पंक्ति की संख्या, देखो m क्या है, रो है, और n क्या है, कॉलम है, तो हमने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। तो आप ऐसे पूरे डिटेल में भी लिख सकते हैं, या इस तरीके से नोटेशन का यूज भी करके आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, अ मैट्रिक्स ए इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन वेयर एम इज लेस देन एन। जब एम इज लेस देन एन माने पंक्ति की संख्या जब स्तंभ की संख्या से कम होगी तो क्षैतिज आव्यूह होगा, और अगर पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए ध्यान दीजिए, और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डियर स्टूडेंट्स ए इक्वल टू कोई एग्जांपल और ले लीजिए। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी और एच कर लीजिए। अब देखिए इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, और कितने कॉलम हैं, 4 कॉलम हैं। अब इस मैट्रिक्स को भी अगर आप देख रहे हैं तो ये मैट्रिक्स भी आपको कैसा दिख रहा है, क्षैतिज ही दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल ही दिख रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कौन सा आव्यूह है, ये भी एक क्षैतिज आव्यूह है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे। अगला है डियर स्टूडेंट्स ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा और नोट करते चलिएगा, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। ध्यान देना, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, वर्टिकल मैट्रिक्स इसको हम लोग बोलेंगे, जो वर्टिकल दिखे उसे हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये वर्टिकल दिखेगा कब, जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज़्यादा हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं ऐसा आव्यूह, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, बोलेंगे ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से, की संख्या से क्या हो, अधिक हो, ठीक है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, अधिक हो, क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है, ठीक है। कौन सा आव्यूह कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा, कौन सा आव्यूह कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर मीन्स वर्टिकल मैट्रिक्स के नाम से इसे हम जानेंगे। दूसरे तरीके से डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक आव्यूह, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, एक आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। कब कहलाता है, यदि यम इज ग्रेटर देन एन, जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप एग्जांपल ले लीजिए डियर स्टूडेंट, जब एग्जांपल लेंगे तो आप ले सकते हैं ए इक्वल टू 2, 4, 7, 9 और 1 और 10 यहाँ लिख दीजिए। अब आप देखिए ये आव्यूह जो आपको दिख रहा होगा ये कैसा दिख रहा है, ऊर्ध्वाधर दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है, इसलिए कौन सा आव्यूह है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। इसका ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो 3/2 का है, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये कौन सा आव्यूह है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। कोई और आप ले सकते हैं, जैसे 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कर दीजिए। अब ये कितने का है, 4/2 का है, तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि पंक्ति की जो संख्या है डियर स्टूडेंट्स वो स्तंभ की संख्या से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अगर पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज़्यादा है तो इस प्रकार का जो आव्यूह होगा डियर स्टूडेंट्स उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह के नाम से जानेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले आव्यूह की तरफ। डियर स्टूडेंट्स जितने भी प्रकार के आव्यूह यहाँ पर बताए जाएंगे उन सारे आव्यूह को आपको ध्यान से समझना है और नोट भी करना, मैंने इंग्लिश में भी बोल दिया है, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं अगला आव्यूह लिखता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। क्या डियर स्टूडेंट्स, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह क्या होगा, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे हम पंक्ति आव्यूह के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझेंगे डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स लिखते जाएंगे। क्या है पंक्ति आव्यूह, ध्यान देना, पंक्ति आव्यूह
जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स रो मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, बोलेंगे ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ठीक है, क्या कहलाएगा? पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। कहलाएगा या क्या बोलेंगे, कहलाता है, ठीक है। या इसको डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान दो, ऐसे लिखेंगे एक आव्यूह, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, एक आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, ठीक है, क्या कहलाएगा? पंक्ति आव्यूह कहलाएगा, ध्यान देना, पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि यम इज इक्वल टू क्या हो जाए, वन हो जाए। अगर पंक्ति की संख्या डियर स्टूडेंट्स एक हो जाएगी तो उस प्रकार से हमारा जो आव्यूह होगा उसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। आप एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल ए इक्वल टू वन टू थ्री, ठीक है, ये क्या है, वन बाई थ्री का है मैट्रिक्स, आपके सामने दिख रहा होगा। कितने रो हैं, वन रो हैं और थ्री कॉलम हैं। कोई और मैट्रिक्स ले लीजिए आप, जैसे आप ले लीजिए फोर और फाइव ले लीजिए, ये कितने का है डियर स्टूडेंट्स, वन बाई टू का है, रो कितने हैं वन और कॉलम कितने हैं टू, तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। कोई और लिख लीजिए, एक्स वाई जेड डब्लू हम लिख लें, तो आप ये देखेंगे तो ये वन बाई फोर का मैट्रिक्स आपके सामने नज़र आ रहा होगा, तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो भी एग्जांपल आपके सामने लिखे गए हैं उन सब के सब में क्या है, पंक्तियों की संख्या एक है, नंबर ऑफ रो वन है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह बोलेंगे, इसे हम रो मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनीशन भी समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स स्तंभ आव्यूह की, हम बात करेंगे स्तंभ आव्यूह की, जिसे हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह, जिसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन है ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम होगा, मतलब जिसमें केवल एक स्तंभ होगा, उसे हम कौन सा आव्यूह बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। तो लिख देते हैं डियर स्टूडेंट्स ऐसा आव्यूह, ध्यान देना सभी लोग, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ध्यान देना, केवल एक क्या हो, स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। आप सभी लोग हमारे साथ नोट करते चलिएगा डियर स्टूडेंट, देखो इतनी मेहनत से यहाँ पर, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से लिख रहा हूँ जिससे आप सभी लोग इसको लिखें और इसको तैयार करें, ठीक है। आर करके दूसरी डेफिनेशन भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या बोलेंगे, एक आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे यम इंटू एन, क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि n इक्वल टू कितना हो जाए, वन हो जाए। मतलब स्तंभ की संख्या कितनी हो गई, वन हो गई। अगर स्तंभ की संख्या एक हो गई तो कौन सा आव्यूह हो गया, स्तंभ आव्यूह हो गया। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, जैसे a इक्वल टू हम लिख लें, है ना, देखिए वन और टू लिख दिए तो कितने का है, टू बाई वन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। और कोई लिख लीजिए, ए इक्वल टू आप वन टू थ्री लिख दिए तो ये कितने का है, थ्री बाई वन का मैट्रिक्स है,
सी इक्वल टू अगर आपने लिख दिया 1 2 3 4 लिख दिया तो आप ये देखेंगे 4 by 1 का मैट्रिक्स है। मतलब यहाँ जो भी मैट्रिक्स आपको दिख रहे हैं इन सभी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितने हैं, 1 है। तो नंबर ऑफ कॉलम जब 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, नंबर ऑफ कॉलम अगर n 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। आपके सामने हमने यहाँ पर एग्जांपल कॉलम मैट्रिक्स का रख दिया है, यहाँ पर हमने आपके सामने रो मैट्रिक्स का एग्जांपल लिख दिया है। बहुत ही आसान से और सरल भाषा में आप सभी लोगों को समझा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, सारी डेफिनेशन को आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर रहे होंगे। ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार बताइएगा कि आप लोग नोट कर रहे हैं या नहीं नोट कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ, अगले आव्यूह की तरफ, जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स वर्ग आव्यूह, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगला है हमारा कौन सा, वर्ग आव्यूह, जिसे हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। आइए ध्यान से समझिएगा, कौन सा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग आव्यूह जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कौन सा आव्यूह, वर्ग आव्यूह। अब देखो कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह कब कहलाएगा, कोई आव्यूह वर्गाकार होगा कब, जब उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है तभी तो वर्गाकार दिखता है। इसका मतलब यह है कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स ऐसा आव्यूह, ध्यान देना, बोलेंगे ऐसा आव्यूह जिसमें, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, जिसमें पंक्तियों योम स्तंभों की संख्या बराबर हो वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर हो क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। अब दूसरे तरीके से जो डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं वो भी हम लिख लें। ठीक है, कैसे, आप कह सकते हैं, इतना इंग्लिश में ले लेते हैं, अ मैट्रिक्स इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। ठीक है, वेयर यम इक्वल टू एन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से आप सभी लोग इसकी इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक आव्यूह इक्वल टू ए आई जे एम इन टू एन क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। कब, जब m और n आपस में बराबर हों, अर्थात जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के आपस में क्या हों, बराबर हों। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे a इक्वल टू 2 3 4 5, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने का है, आप देखेंगे ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। आप देख पा रहे होंगे ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई और भी एग्जांपल आप सभी लोग लिख सकते हैं, जैसे आप लिख लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है, ओ और क्या लिख दिए, पी। अब आप इसको देखेंगे तो ये 4 by 4 का मैट्रिक्स है और ये भी कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। आप लोगों ने अभी तक समझ लिया कि क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है, पंक्ति आव्यूह क्या होता है, स्तंभ आव्यूह क्या होता है, और साथ ही साथ आप लोगों ने यह समझ लिया कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये मुख्य प्रकार के जो आव्यूह थे वो मैंने आप सभी लोगों को समझाया, इसको आपने नोट किया। अब डियर स्टूडेंट्स अभी आव्यूह के प्रकार और सारे हैं, लेकिन और सारे आप प्रकार को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना होगा मुख्य विकर्ण। ठीक है, क्या पढ़ना होगा,
मुख्य विकर्ण क्या होता है और मुख्य विकर्ण अवयव क्या होते हैं। ये जो अभी बताने चल रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम जानेंगे मुख्य विकर्ण अवयव, ठीक है, मुख्य विकर्ण अवयव क्या होते हैं, इसको हम बोलेंगे लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, हम जानेंगे कि ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जितने भी आव्यूह आप सभी लोगों को पढ़ाए गए उन सारे आव्यूह में, उन सारे मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम लोग जितने भी प्रकार के मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जितने भी प्रकार के आव्यूह पढ़ेंगे, उन सारे आव्यूह में वर्ग आव्यूह का जिक्र जरूर होगा, इसलिए उसको ध्यान से रखेंगे अपने दिमाग में। देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपके सामने एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है और आप डियर स्टूडेंट्स ये देख पा रहे होंगे कि ये मैट्रिक्स जो आपके सामने लिखा हुआ है यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसा आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें आप ज़रा ध्यान से समझिए, अगर हम मुख्य विकर्ण की बात करें तो मुख्य विकर्ण कहाँ है, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा मुख्य विकर्ण, यही आपको दिख रहा होगा, तो ये जो आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स इसी को हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? लीडिंग डायगोनल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और इस लीडिंग डायगोनल में ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं चाहे वन हो, चाहे वो फाइव हो, चाहे वो नाइन हो, इसे डियर स्टूडेंट्स हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब बात यह है कि सर कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर विकर्ण आपने इधर से बना दिया, तो विकर्ण तो इधर से भी बनाया जा सकता है, तो ध्यान से समझो, इसीलिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ हेडिंग पड़ी है मुख्य विकर्ण अवयव। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ग आव्यूह में जो एलिमेंट ए आई जे हो, वेयर आई इक्वल टू जे हो, मतलब ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से, जैसे A11 है, A22 है, A33 है, A44, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन एलिमेंट्स को लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे आप इसकी बात करेंगे तो ये कौन है, देखो A11 है, और इसकी 5 की बात करोगे तो बोलो ये कौन है, A22 है, इसकी बात करेंगे 9 की तो ये कौन है, A33 है, ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ध्यान रखो डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ए आई जे वेयर आई इक्वल टू जे आर कॉल्ड मतलब कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे और समझ लेंगे, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एलिमेंट्स ए आई जे वेयर आई इक्वल टू जे आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स, लेकिन ये बात किसके लिए हो रही है डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हो रही है, और किसी मैट्रिक्स में आपको लीडिंग डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, केवल और केवल आपको स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात वर्ग आव्यूह में ही देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और ध्यान से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे किसी वर्ग आव्यूह, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, किसी वर्ग आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह में या किसी वर्ग आव्यूह के अवयव ए आई जे जहां आई इक्वल टू जे को मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण अवयव कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी वर्ग आव्यूह के अवयव ए आई जे जहां आई क्वालिटी जे को क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण अवयव कहते हैं। इसका मतलब ये क्या है कि मुख्य विकर्ण अवयव होंगे क्या, बताइए, इसका मतलब मुख्य विकर्ण अवयव A11 होंगे, A22 होंगे, A33 डॉट डॉट डॉट, AN, YM, YM आप कह सकते हैं,
इसे हम क्या कहेंगे, मुख्य विकर्ण अवयव कहेंगे। इन मुख्य विकर्ण अवयवों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझ लीजिए डियर फ्रेंड्स, जैसे इक्वल टू हमने कोई लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये हमने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने। क्या लिख दिया डियर फ्रेंड्स, एक हमने लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव। अब आप जरा देखो, अगर इसके हम डायगोनल एलिमेंट्स आपसे लिखने के लिए बोलें, अर्थात आपसे कहें कि इसके विकर्ण अवयव कौन होंगे, तो इसके विकर्ण अवयव आप कौन कौन लिखेंगे, ए वन वन ए होगा डियर फ्रेंड्स, फिर आपसे कहेंगे ए टू टू बताइए तो कौन होगा, ई होगा, फिर आपसे कहेंगे ए थ्री थ्री कौन है तो आप क्या बताएंगे, आई होगा। तो इस तरीके से आपके सामने ये जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ था, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो आपके सामने आ गए हैं। अब इन डायगोनल एलिमेंट्स को मिलाने वाली जो ये रेखा होगी, इसी को डियर फ्रेंड्स क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसी को मुख्य विकर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग डायगोनल। ध्यान देना, इसी को हम क्या बोलेंगे, लीडिंग डायगोनल के नाम से जानते हैं। यही डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को समझाना था। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मुख्य विकर्ण अवयव क्या होते हैं, साथ ही साथ मुख्य विकर्ण क्या होता है, दोनों चीज़ें आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर नीचे हम एक नोट पॉइंट थोड़ा सा डाल देते हैं, क्या डियर फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं कि मुख्य विकर्ण, ध्यान देना, मुख्य विकर्ण अवयवों को मिलाने वाली रेखा, मुख्य विकर्ण अवयवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, रेखा वर्ग अवयव का ध्यान देना, वर्ग अवयव का मुख्य विकर्ण कहलाता है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, मुख्य विकर्ण अवयवों को मिलाने वाला या वाली लिख दिए, मिलाने वाली रेखा वर्ग अवयव का मुख्य विकर्ण कहलाती है। ये आप सभी लोगों को आई होप समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। इसको आप सभी लोग डियर स्टूडेंट ध्यान से समझ लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। कुछ और एग्जांपल आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूं और ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। क्या, देखिए ध्यान से, कोई और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे एक इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स मान लो हम लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 10 11 12 ठीक है, 13 14 15 16 हमने लिख दिया। अब कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है डियर फ्रेंड्स, 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम आपसे कहें कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स को बताइए, ध्यान दो, अगर हम आपसे कहें कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स को बताइए, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन आएंगे, ध्यान दीजिए, इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे A11 जो कि कौन होगा, 1 होगा, और डियर फ्रेंड्स A22 जो कि कौन होगा, 6 होगा, और A33 जो कि कौन होगा, 11 होगा, और उसके बाद A44 की बात अगर हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा, 16 होगा। और इन सारे एलिमेंट्स को मिलाने वाली ये जो रेखा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे, लीडिंग डायगोनल बोलेंगे, या डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण के नाम से जानेंगे। आई होप इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही आप सभी लोगों को बताएंगे। आई होप जितनी भी चीज़ें आप सभी लोगों को आज के इस लेक्चर में मैंने समझाने का प्रयास किया है वो सारी की सारी चीज़ें आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। हमने आप सभी लोगों को बताया कि अवयव के प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाना शुरू किया, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया क्षैतिज अवयव क्या होता है, ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होता है, आपको समझ में आया विद एग्जांपल विद डेफिनेशन बताया, हिंदी में भी बताया और इंग्लिश में भी बताया। फिर मैंने आपको बताया कि पंक्ति अवयव क्या होता है, स्तंभ अवयव जिसको हम लोग इंग्लिश में रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं,
उसके बाद मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, और सबसे खास बात आज के इस लेक्चर में जो आपको बताया गया है वो है मुख्य विकर्ण अवयव और मुख्य विकर्ण। इसको ज़रूर से ज़रूर अपने ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे के लेक्चर में हम इसी के आधार पर आव्यूह के और प्रकार आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आप सभी लोगों को चैप्टर आसान लग रहा होगा अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा, और ये दूसरा लेक्चर आप लोग देख रहे होंगे तो दोनों आपको समझ में आया होगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स अगर आप सभी लोगों ने लास्ट तक लेक्चर को देखा है, लेक्चर पसंद आया है और अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा डियर स्टूडेंट्स। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।